आज मेरे लिए और आप सबके लिए बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि जो हमारे केमिकल वाले फार्मर्स हैं वो हमारे पास खुद आकर जीव अमृत के फायदे भी बता रहे हैं और जीव अमृत ले भी रहे हैं, वो भी कंटिन्यू कर दिया उन्होंने हमसे जीव अमृत लेना। हफ्ते में एक आध बार ले ही लेते हैं ये, तो ये हमारे लिए काफी खुशी की बात है कि जो हमारे किसान हैं वो जागरूक हो रहे हैं। मेरी मेहनत और आप सबकी मेहनत रंग ला रही है। इसी तरह से बाकी किसानों को जागरूक करने के लिए हमारी जो ये नेचुरल ब्लॉग्स हैं इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम अपनी पृथ्वी को भी बचा सके, अपने एनवायरनमेंट को। अभी अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी है, मेरी फ्रेंड ने स्टेटस लगाया था कि फरवरी में ही इतनी ज्यादा गर्मी और 29 point something डिग्री टेम्परेचर को नोट किया गया है। तो आने वाले मतलब जब गर्मी होती है तब सोचो खुद ही आप कितना ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो ये सारा हम ही डिसेबल कर रहे हैं अपने टेम्परेचर को, हमें ही मेंटेन करना चाहिए इन चीजों को। अगर हम इन केमिकल्स को यूज नहीं करेंगे तो हमारे एनवायरमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दीजिए। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग ऑफ प्राकृतिक खेती। सो गाइस, हम ना काफी दिनों से जीव अमृत और घन जीव अमृत और खट्टी लस्सी का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो आज चलो कुछ नई चीज करते हैं। तो आज हम देने वाले हैं ब्रह्मास्त्र की स्प्रे। वो किसके लिए प्रयोग की जाती है? इल्लियां और सुंडियों के लिए। तो बीमारी आ भी सकती है, तो उससे पहले हम उसकी रोकथाम करने के लिए अपने खेतों में स्प्रे दे देंगे, और जो हमारा किचन गार्डन है और जो हमने क्यारियों में फूल लगाए हैं वहां पर भी। तो ये तो होगी ब्रह्मास्त्र की बात। और आज हम क्या करने वाले हैं, आपको मैंने कहा था कि जो हमने जीव अमृत बनाया है वो डिमांड पर बना है। आज हमारे पास फार्मर आए हैं, हमारे विलेज के ही हैं ये, तो आज ये 5 लीटर जीव अमृत लेने वाले हैं हमसे। इन्होंने अपने किचन गार्डन और जो लहसुन प्याज लगाए हैं वहाँ पर देना है। और ये कह रहे थे कि इसको कनक में भी दे सकते हो, तो हमने इनको बता दिया कि हाँ बेफिक्र होकर आप हर जगह पर दे सकते हो, जहाँ पर आपकी फसल चल रही है तो वहाँ पर देंगे ये इसे। और ये तीसरी चौथी बार हमसे लेने वाले हैं, तो इनको भी रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं और ये भी मोटिवेट होके हमसे जीव अमृत खरीद रहे हैं। तो चलो देते हैं इनको जीव अमृत, फिर हम करेंगे स्प्रे। तो ये जीव अमृत रहा, तो इसे देने से पहले 2 मिनट तक अच्छे तरीके से घोलना होता है। ये सारी चीजें अब आप सबको बखूबी पता चल ही गई होंगी। हमारे केमिकल वाले फार्मर, तो आज इन्होंने फिर से हमसे जीव अमृत लिया है, क्योंकि इनको रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये बार बार अब हमारे एक तरह से कंटिन्यू चल पड़ा है इनका जीव अमृत हमसे। तो थोड़ा इनसे भी जान लेते हैं कि इनको क्या क्या फर्क लग रहा है। आपको क्या क्या फर्क लगा है जीव अमृत डालने के बाद? जो हमारी फसल है वो बहुत अच्छी तरह चल रही है, पीलापन होता था वो भी खत्म हो रहा है। हाँ देखा, तो इनको भी काफ़ी ज़्यादा फायदे लग रहे हैं, इसीलिए ये बार बार हमसे जीव अमृत लेते हैं। और काफ़ी अच्छा हमसे इनका कॉन्टैक्ट भी बन गया अब, तो इसी तरह से ये हमसे प्राकृतिक खेती से जुड़े रहे, और भी आपको कई सारे फायदे आगे देखने को मिलेंगे। ये रहा हमारा घन जीव अमृत, जो कि मैंने सुबह सुबह बनाकर छाया में रख दिया है, और जो अच्छे तरीके से सूख गया था उसे मैंने स्टोर करके इस बोरी में डाल दिया है। तो हमने ना यहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ था प्लास्टिक के डिब्बे में ही, आपने देखा था ना उस दिन। तो ये है हमारा ब्रह्मास्त्र, चलो इसे बाहर लेकर चलते हैं और बताती हूँ क्वांटिटी कितनी कितनी अपने प्रयोग करनी है और किस तरह से इसका छिड़काव करना है। इस तरह से मैंने कपड़े को अपने मुंह पर बांध लिया है, नाक पर बांध लिया, ताकि जो इसकी गैसेस हैं इसे ओपन करना है। अब हमने पत्ते वगैरह सब कुछ इसी में डाल दिया था, ताकि इसका जो असर है वो बरकरार रहे। और जो पत्ते जितने भी थे मैंने इनको निकाला नहीं था, तो आज हम इसकी स्प्रे देंगे। तो इसे भी स्प्रे करने से पहले मतलब डालने से पहले ये देखो इसे हम ना घोल लेंगे घड़ी की सुई की दिशा में ही। तो ये मैं लकड़ी का डंडा लेकर आ गई हूँ, इसे घड़ी की सुई की दिशा में ही घोलना है हमने। तो 2 मिनट तक मैंने ब्रह्मास्त्र को अच्छे तरीके से घोल लिया है। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास स्प्रे पंप वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो थोड़ी मात्रा में मुझे स्प्रे करनी है। तो ये 10 लीटर की बाल्टी है, 10 लीटर में डाल देंगे, लीटर डाल देंगे ब्रह्मास्त्र। ये मैंने डाल दिया आधा लीटर, अब हम बाकी 10 लीटर इसमें पानी ऐड कर लेंगे और फिर छिड़काव कर देंगे अपने जहां पर बीमारी आने वाली है। अभी जैसे भिंडी लगाई है मैंने, तो भिंडी डाल देंगे, दे देंगे ये स्प्रे, ताकि भिंडी जो है वो सुंडियां और इलियां उसे खा ना जाए।
कि हमारी भिंडी काफ़ी अच्छे तरीके से निकल आई है, तो हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि बीमारी आए और जल्दी से उसे खाएं, उससे पहले हमें इसका निवारण कर लेना चाहिए। तो निवारण के लिए हमने स्प्रे पहले से बना दी थी, तो मैं इसे बंद करके इसे रखाती हूँ, फिर चलते हैं सीधा नीचे। ये है हमारा 5 लेयर मॉडल जहाँ पर मैंने लगाई थी भिंडी, जो कि अच्छे तरीके से उगाई है हर जगह पे ही जहाँ जहाँ मैंने लगाई थी। ना सुंडियाँ भी लग सकती हैं और इल्लियाँ भी लग सकती हैं, खा जाती हैं इनको, अंदर से ही लगती है बीमारी, तो इसलिए हम इसमें छिड़काव कर देंगे ब्रह्मास्त्र का। तो इसे मैंने डिल्यूट कर लिया था और आज भी मैंने नेचुरल शावर से ही इसका छिड़काव करूँगी, क्योंकि इतनी कम जगह पर 15 लीटर का ड्रम भर के उठाऊँ मैं उसे तो वो बात बनेगी नहीं, तो इसलिए ब्रह्मास्त्र का छिड़काव कर दूंगी भिंडियों पर। और अच्छे तरीके से देखो स्प्रे भी होगी। हमने यहाँ पर फूल लगाए हैं तो इनमें भी दे देंगे हम, क्योंकि ये जो बीमारी है इल्लियां और सुंडियां ये किसी भी फल फूल सब्जियों में पड़ सकती है, तो हमने यहाँ पर लगाए हैं तो यहाँ पर भी दे ही देते हैं इसकी स्प्रे। ये है हमारी दूसरी क्यारी जहाँ पर मैंने लगाए थे मटर, तो आप देख रहे होंगे कि इन मटरों में ना ये देखो, तो इस मटर के पौधे में ना ये बीमारी लग गई है। तो ये बीमारी क्या है, ये वही है इलियों और सुंडियों वाली, जो कि क्या करती हैं हमारे पौधे के क्लोरोफिल को खा जाती हैं और इस टाइप से लाइंस बन जाती हैं। क्लोरोफिल क्या काम करता है, जो कि पत्ते का रंग जिसकी वजह से हरा होता है उसे खा जाता है और वो कुछ इस तरह से फिर दिखता है। तो ये यहाँ पर होगी, पत्ते को इस तरह से कर देती है और पत्ता फिर मुड़ जाता है और ना ही इसकी ग्रोथ हो पाती है। तो ये बीमारी एक जगह पर आकर काफ़ी बड़ी समस्या बन जाती है, निवारण ही मिलता तो उनको मैं बता दूँ इसका निवारण है ये हमारा ब्रह्मास्त्र के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से छिड़काव कर देंगे हम ब्रह्मास्त्र का, ताकि ये जो पत्ते हमारे ख़राब हो रहे हैं इलियां और सुंडियों की वजह से, तो ये ठीक हो जाएं। तो देख लिया आपने कि ये बीमारी होती है और यही हमारे फलों को फूलों को और पौधों को ख़राब कर देती है। देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा ये इस मटर के पौधे में लग चुकी है, तो अब इसका छुटकारा मिल जाएगा इस ब्रह्मास्त्र की मदद से, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसका छिड़काव कर दिया है। ना अपनी क्यारियों के मटरों को देखा कि उनमें इतनी ज़्यादा बीमारी लग गई है सुंडियों की और इल्लियों की, तो फिर मैंने सोचा कि शायद ये बीमारी कहीं मेरे जो SPNF मॉडल वाले मटर हैं वहाँ पर ना लग जाए, और हमने इतनी ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की हुई है तो हमारी मेहनत कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं इस खेत में आ चुकी हूँ। अभी आई हूँ मैं, तो अभी मैं क्या करूँगी यहाँ पर ब्रह्मास्त्र की स्प्रे कर दूँगी, ताकि ये बीमारी यहाँ पर लगे ना और हमारे जो मटर है वो सुरक्षित निकल आए, हमारा प्रोड्यूस बेस्ट से बेस्ट हो। मैं इसमें कोई भी बीमारी नहीं लगने देना चाहती अब, तो इसीलिए मैं यहाँ पर प्रयोग करूँगी ब्रह्मास्त्र का, जिससे कि अगर बीमारी लगे तो पहले से ही वो चली जाए। तो इसका इलाज हमें पहले ही करना पड़ता है ताकि बीमारी और ज़्यादा हावी ना हो जाए हमारी फसलों पर। तो मैं एक बाल्टी लेकर आई हूँ, एक बाल्टी में ये पूरा यहाँ का गुजारा हो जाएगा और नेचुरल शावर से ही मैं यहाँ पर छिड़काव करूँगी, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और मेरे शोल्डर काफ़ी ज़्यादा पेन करते हैं, तो मेरे से तो नहीं उठाया जाता इतना बारी बारी ड्रम, तो इसलिए मैं बाल्टी का ही प्रयोग करूँगी और बाल्टी से आराम से स्प्रे दे दूँगी यहाँ पर। और आज मेरी सिस्टर नहीं आई है, मेरा कैमरा मैन आज मेरी माताश्री बनेंगे, तो माताश्री अभी मटर को तोड़ रहे हैं, कह रहे थे कि मैं मटर तोड़ लेती हूँ, तब तक तू स्टार्ट कर ले अपना, तो मैंने अभी स्टार्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पर स्प्रे देंगे और एडजस्ट कर लेना, आज माताश्री वीडियोग्राफर बन जाएंगी मेरी, तो चलो मैं अभी स्प्रे कर लेती हूँ। ये ना काफ़ी कम लग रहा है शावर सा, तो इसमें मैं ये वाले पत्ते ले लेती हूँ, आम के पत्ते, इससे जल्दी हो जाएगा। फास्ट हो जाएगा, तो मैं फटाफट से डिप करके देती हूँ।
आम के पत्तों से छिड़काव कर रही थी तो उससे अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने माता श्री को अभी कहा कि आप ना पत्ते ले आओ अच्छे अच्छे से, जिससे अच्छे तरीके से छिड़काव हो जाए। हो गए हैं, बस करो आ जाओ। और माता श्री ने आज वीडियो शूट की है तो वो पूछ रहे हैं अच्छी बनी है, ठीक ठाक बनाई है ना मैंने। तो ये मम्मी जी अब नया शावर लेकर आई है बनाकर, तो ये काफी बढ़िया है और है भी काफी ज्यादा मात्रा में, तो इससे अच्छे तरीके से छिड़काव हो जाएगा। ये देखा तो मम्मी कर रहे, मम्मी आईब्रो उठा उठा कर रहे, दिख क्या। तो चलो कर लेती हूँ छिड़काव जल्दी से, और धूप भी काफी ज्यादा लग रही है आज तो। हाँ ये बेस्ट है ना, देखो कितना अच्छा छिड़काव हो रहा है ना, और जल्दी भी हो रहा है अब तो। माता जी को फ्री कर दिया क्योंकि ये ना कह रहे मेरा हाथ थक गया, मेरी बाइयां थक गई हैं, तो मैंने इनको फ्री कर दिया। मैंने बोला अब आप मटर तोड़ लो, और मैं ना ये जो आधी बाल्टी और बची है मैं इसे अच्छे तरीके से स्प्रे कर लेती हूँ पूरे खेत में, तो मैं ये काम कर लेती हूँ और माता जी मटर को तोड़ लेते हैं। गाइस हमारे जो मटर हैं, मटर के पौधे, उनमें काफ़ी अच्छे से मटर भर गए हैं, और मम्मी जी इनको दिखा रहे हैं, देखो कितने अच्छे से तैयार हो गए। मम्मी जी कितनी खुशी हो रही है आपको, मैं तोड़ भी रही हूँ, और मम्मी जी ने कितने ज़्यादा तोड़ भी लिए हैं। बीच बीच में कोई कोई दाने हैं जो पक्षियों ने खाए हैं, जैसे ये देखो ये पहले के खाए होंगे, बट जब से हमने वो लगाया ना जुगाड़ उसके बाद कम ही खा रहे हैं, और हर एक मटर में दाने अच्छे तरीके से भर गए हैं, मतलब हमारा सब तो दाने अंकुर काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम कर रहा है ना मम्मा। तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। आज हमने सुबह मटर की, जो हमारे ये जहर मुक्त मटर है, इन्हीं की सब्जी बनाई थी, और हमें काफ़ी खुशी हुई इसे खाकर। फिर पापा ने 100 रुपये दिया। हाँ, और शगन के नाम पे मुझे मिले थे 100 रुपया। पापा कह रहे थे ऐसे हम जहर वाले मटर खा रहे थे और दुकान से ले रहे थे, तो आज मेरी बेटी ने इतनी मेहनत से मतलब इन मटरों को उगाया है, और आज हम इसकी सब्जी, पहली सब्जी थी ना, तो शगन के तौर पर मुझे मिले 100 रुपये, मेरे को बड़ी खुशी हुई। तो ऐसे ही मैं और तरक्की करती जाऊंगी और ऐसे ही बहुत सारे पैसे कमा लूंगी, और वीडियो डालती रहूंगी हम ना। बट अगले मंगलवार तक काफी अच्छा हमारा मुझे लग रहा है कि प्रोड्यूस निकल आएगा, तो पक्का अगली बार हम पक्का मंगलवार को चलेंगे अपने जहर मुक्त स्टॉल पर, वहां पर हमें ना काफी अच्छी कीमत मिलती है, मतलब जहर वालों से, जहर जो बाकी यूरिया वगैरह डालते हैं ना उनके कंपैरिजन से हमें 5-10 रुपए ज़्यादा ही मिलता है, तो वहाँ पर चलेंगे हम और वहाँ पर कमाएंगे पैसा ही पैसा। पैसे पैसे की बात नहीं है, ये हमारी प्राकृतिक खेती को प्रमोट करने का बहुत ही बड़ा एक पॉइंट है जहाँ पर हम अपनी प्राकृतिक खेती को प्रमोट कर सकते हैं, तो वहाँ पर जाकर हमारे काफ़ी सारे फार्मर्स आते हैं और वो प्रोड्यूस लेकर आते हैं अपना, तो हम भी जाएंगे अगले मंगलवार से, ज़रूर ज़रूर जाएंगे पक्का। मुझे आप सभी कहना कि नहीं जाओ जाओ आप स्टॉल पर जाओ और हमें दिखाओ स्टॉल, ठीक है। मैं पता नहीं क्यों थोड़ी बहुत ऐसी हो जाती हूँ ढीली कि नहीं जाना आज नहीं जाना, ये मौसम ख़राब है ये ख़राब है, बट आपने मुझे कह के रहना है कि मंगलवार को पक्का जाना है अपने स्टॉल पर, ठीक है। फिर मैं जाऊँगी और आप सबको दिखाऊँगी कि क्या क्या चीज़ें मिलती है वहाँ पर, के किस तरह से कौन कौन से फार्मर्स आते हैं, वो सारी चीज़ें आप के साथ मैं शेयर करूंगी। और मेरी आवाज़ पता नहीं कैसे कम हो जा रही है, तो बातें बहुत हो गई हैं, अब काम कर लेती हूँ। आप सबके आशीर्वाद से मैंने ब्रह्मास्त्र की स्प्रे पूरे अपने मटर और कनक में दे दी है, तो अब मैं अपनी माता श्री के साथ हेल्प करवा लेती हूँ। वो लगी हुई है माता श्री, अकेले मटर को तोड़ रहे हैं, और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है आज, टाइम पता कितना हो रहा है दिखाती हूँ अभी, देख लेती हूँ पहले, खुद भी नहीं देखा टाइम, 1:30 बजे थे यार, मिल ही नहीं रहा, रुको 2 बजने वाले हैं, और इतनी धूप में मैं और मेरी माता श्री आज काम कर रहे हैं, बहन घर का काम कर रही थी इसलिए वो नहीं आ पाई। तो अब मटर तोड़ लेते हैं और दिखाते हैं आपको कितना ज़्यादा प्रोड्यूस निकला है, जहर मुक्त प्रोड्यूस हम लेकर आए थे घर से, अब देखते हैं ये कितना भरता है, अभी थोड़ा सा नीचे तक ये भरा है, तो अब देखते हैं कितना भर जाता है, तोड़ लेते हैं हम फटाफट से। मटर तोड़ रहे थे तो मैंने ना ये चीज़ नोटिस की कि पहले तो एक मैंने मरा हुआ देखा ना, इस प्रकार का टिड्डू गिर के नीचे, ये रुको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, टिड्डू ना हमारे मटरों को लगे हुए थे, पहले मुझे लगा ये जिंदा है, तो 2-3 ऐसे टिड्डू मेरे को और मिले, तो मैंने मम्मी को दिखाया तो मम्मी कहते ये मर गए हैं, फिर मम्मी बोलते हैं कौन सी स्प्रे की थी, मैंने बोला हमने तो अभी सप्तधान्य अंकुर जीवामृत और घन जीवामृत दिया यहाँ पर, तो मुझे लग रहा है कि इससे भी शायद दिन पे ना कोई फर्क पड़ता है और इसलिए ये मर रहे हैं,
तो बीच बीच के हमारे थोड़े बहुत टिड्डू मर गए हैं, इन्हीं से मैंने तो अभी तक यही दिए हैं आपको जैसे कि पता ही है। तो ये भी टिड्डू हमारी फसल को हानि पहुंचा रहे थे शायद, तो इसलिए ये मर गया। अब देखो मर गया है ना ये, चलो अच्छी बात है। और दिखाओ, ये हमारे मटरों को लगे हुए हैं, ये पता नहीं मरे हैं कि नहीं, पर नहीं मरे होंगे तो मैं इनको निकाल दूंगी यहाँ से, क्योंकि ये हमारी मटरों को खराब कर देंगे। देखो कैसे लगे हुए हैं ये मटर के पत्ते के साथ रस छोड़ रहे हैं अपना, ये ना लकीरें डाल रहे हैं हमारे मटरों में, देखो कैसे कैसे दाग डाल दिए इन्होंने। अब ब्रह्मास्त्र कर दिया ना हमने स्प्रे, तो ये भी मर जाएंगे। अब देखो कैसे चिपके हुए हैं ये, ओ ये तो निकल भी नहीं रहे। चलो इनको फेंक देते हैं फिर, इनको दबा दूं मैं मिट्टी में? नहीं दबाऊंगी नहीं मैं इनको, बस यहाँ पर रख दूंगी कि अब मेरे खेत में मत आना दोबारा, मैंने तुम्हें मारने के लिए स्प्रे डाल दिया इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ बाय, दूसरे खेत में भेज दिए मैंने। और माता श्री अभी मटर तोड़ रहे हैं, क्योंकि मम्मी कह रहे हैं कि तुम मटर तोड़ने से ज़्यादा त्रसैड़ा मतलब तोड़ रही है कनक को और मटरों को, इसलिए तो बाहर ही बैठ जा। तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठ गई और माता जी मटर को तोड़ रही हैं। अभी मैं यहाँ पर रेस्ट कर रही हूँ और माता श्री को ना, और जैसे मैंने टिड्डू दिखाया ना अभी आपको वो जो मर गया था, मम्मी जी को ना और भी मिल रहे हैं, देखो दिखा रहे हैं माता श्री। मम्मी टिड्डू बड़े मरे, ये सारे मटर में थे तो बड़े सारे मर गए हैं। देखा हमारी ये जो स्प्रे है ना, ये सारी प्राकृतिक खेती के जितने भी हमारे घटक है ना, ये सारे लाभदायक होते हैं, और ये जो हमारे दुश्मन है ना इनको मारने में ये सहायता प्रदान करते हैं। ये भी दुश्मन है हमारा, ये देखो लगा हुआ है हमारी कनक में, तो इनसे छुटकारा मिल सकता है आपको भी अगर आप इन सब चीज़ों की रेगुलर स्प्रे करते हो। मैं तो थक गई थी, मैं तो रेस्ट कर रही थी, पर मेरी माता जी ना थक ही नहीं रहे थे, हार्वेस्ट करे जा रहे थे मटरों को, तो फाइनली ये भी अब थक चुके हैं और थोड़े से मटर बच चुके हैं, उनको नहीं तोड़ा है माता श्री ने, माता श्री कहते हैं इनको और बड़ा होने देते हैं फिर तोड़ेंगे। तो अभी ये छाया में बैठने जा रहे हैं हम, और आपको दिखाते हैं कितने ज़्यादा मटर निकले हैं और क्या कितना प्रोड्यूस निकला है, क्या लिफाफा भर गया है, तो देखने के लिए तैयार रहो। मेरे को भी जाने दो पहले पार, जो थैला था हमने पहले से भर लिया था और ये मम्मी ने और तोड़े हैं, तो देखते हैं अब थैला पूरा भर जाता है हमारा कि नहीं। गर्मी लग गई है मम्मी जी को ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि धूप देखो कितनी ज़्यादा है, फिर भी हम इतनी धूप में काम कर रहे थे। बोरो बोरो देखते हैं भर जाते हैं कि नहीं। अभी काफ़ी सारे मटर मम्मी कह रहे हैं रह गए हैं, पर मेरे को गर्मी लग रही थी इसलिए मैं निकल आई बाहर। ये तो देखो भाई कितना ज़्यादा प्रोड्यूस निकल गया है, हमें सच में काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है इस चीज़ से। मम्मी आपको कितनी खुशी है? बड़ी ज़्यादा खुशी है, ये हम जीत गए, हमने फाइनली नेचुरल फार्मिंग से काफ़ी अच्छा हमारा प्रोड्यूस निकल रहा है और काफ़ी खुशी हो रही है इस चीज़ से, और बिल्कुल हरे भरे मटर, ताज़े और जहर मुक्त मटर, खुशी ही खुशी। पूरी फली जो है ना वो भर गई है और सच में टेस्टी भी बहुत है, मैं खा लेती हूँ। मम्मी कह रहे दे मैंने चेड़ा मैं खा लेती हूँ, बड़े मीठे ये लगा, खंड पाई बेचा ऐसा लग रहा है चीनी डाली हुई है। सच्ची आज सब्जी बनाई थी ना इतनी टेस्टी लग रही थी ना, जब ये चीज़ें आती है ना मतलब जहर मुक्त चीज़ें खा रहे हैं हम बिना केमिकल के, तो इसका सारा जितना भी स्वाद है ना वो सारा ही आ रहा है। मीठे तो एक बात होगी, खुशबू भी बड़ी बड़ी आ रही थी है ना, बड़ा मजा आया हमें तो सुबह सुबह मटर खाने में। तो गाइज ये था आज का हमारा ब्लॉग जो कि मेरी माता श्री ने आज शूट किया है मैक्सिमम, तो माता श्री के नाम पे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए ना मम्मी? हाँ जी। और शेयर भी करना चाहिए ना और लाइक भी करना चाहिए, कमेंट भी। ओ देखा मेरी मम्मी को भी अब सारी लाइनें याद हो गई हैं। तो अब हम चलते हैं घर, और ये था आज का हमारा प्राकृतिक खेती का ब्लॉग। इफ यू लाइक दिस देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ऐसे ही जहर मुक्त प्रोडक्ट्स देखने के लिए उनके रिजल्ट्स देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।